ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब। गड्ढों में तब्दील सड़कें प्रसव पीड़ा से कराती महिलाओं के लिए अब काल बन चुकी है। थाना मलावन के सोहार निवासी आर्यन अपनी 7 माह की गर्भवती पत्नी को लेकर एटा अल्ट्रासाउंड कराने आ रहा था। गीता और उसके पति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अपने जिस नवजात शिशु के अच्छे स्वास्थ्य और चेकअप के लिए वो अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं, शहर की बदहाल सड़कें उसके नवजात शिशु की मौत का सबब बन जाएंगी। शहर के बीचों बीच ठंडी सड़क के समीप का काली मंदिर के निकट गीता उस समय प्रसव पीड़ा से बुरी तरह करा उठी जब उसके पति की बाइक गड्ढे में तब्दील हो चुकी सड़क से गुजरी। आलम यह था कि गीता और उसका पति कुछ समझ पाते, इसी बीच सड़क पर ही 7 माह की गर्भवती गीता को तेज प्रसव पीड़ा होने लगी और उन्हें इतना भी समय नहीं मिला कि वो अस्पताल तक पहुंच सके। सड़क से गुजर रही महिलाओं और राहगीरों ने चादर की आड़ करी और प्रसव पीड़ा से कराहती गीता को वहीं प्रसव हो गया, लेकिन दुर्भाग्य ये कि उसके 7 माह के नवजात शिशु की तब तक मौत हो चुकी थी और गीता की हालत बेहद ख़राब हो चुकी थी। इसी दरमियान लोगों ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और गीता को जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अपने नवजात शिशु की मौत के गम में गीता पूरी तरह टूट चुकी है। ये हमारे यहाँ पर 10:55 पर जी एक महिला गीता नामक प्रसूता हमारे जिला महिला चिकित्सालय में आई जी। उस पर ऑन ड्यूटी इमरजेंसी ड्यूटी पर हमारी महिला चिकित्सक थी जी। उसका उपचार किया गया, तत्कालीन उसका उपचार किया गया। जब उसके संबंध में जानकारी दी गई जी तो उस गीता को 7 माह का गर्भ था जी। वह अल्ट्रासाउंड कराने के लिए अपने निजी वाहन से आ रही थी तो शहर में ही कहीं ठंडी सड़क पर ही उसका जी प्रसव हो गया और पति अपनी बेबसी को लेकर रो रहा है। वहीं लोग महिला के नवजात शिशु की असामयिक मौत से गमजदा थे और अफसरों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को कोसते नजर आए और स्थानीय लोग 10 वर्षों से ज़्यादा हो चुके ठंडी सड़क की स्थिति को व्यक्त करते दिखे। ऐसे में सवाल यह है कि काश सरकार की सड़कों को गड्ढामुक्त किए जाने के आदेशों का पालन सही तरीके से किया गया होता तो आज यहाँ लोगों को गड्ढामुक्त सड़कों से निजात मिल जाती और एक नवजात शिशु की मौत ना होती और ये नवजात शिशु अपनी माँ गीता की गोद में किलकारी भर रहा होता। एटा से टाइम्स 18 न्यूज के लिए गोविंद गुप्ता की रिपोर्ट। ये है टाइम्स 18 न्यूज।